हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं छोटे से ट्रैक पे या तो एक शूट पे, जैसे बर्ड्स वगैरह शूट करेंगे। धीरे धीरे बात करना है क्योंकि बर्ड्स हैं, उड़ जाएंगी तो उनके फोटोज क्लिक करेंगे। मेरे साथ है मुकुल। हाय अजीत। यस, तो ऐसा ऐसा कुछ है आगे रास्ता, चुपके चुपके जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे, बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, जाते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। चलो BTS गैंग। यस, तो BTS इंदौर में से कोई शूट करेगा और मेरे पास तो कैमरा है, कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सब बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो अभी हम जंगल की तरफ जा रहे हैं और मेरे पास है कैनन N50 Mark 1 है ये, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ सिग्मा 7300 जो कि एक कैनन के अडेप्टर के साथ है, EF माउंट वाला। तो अभी आगे आगे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बंदर है जो उनको देख के भाग रहे हैं। गौर से देखो गाइस, कैमरा में नहीं दिख रहा, कैमरा मैन अपने पूर्वजों की फोटो खींच रहा है। एक दिखा मुझे लगता है साथ यहीं बच जाएगा। बहुत झाड़ियों के बीच में घुस के बैठा इसलिए क्लिक नहीं हो पा रहा, बट फिर भी ये है। वैसे हम लोग बहुत गलत टाइम पे बाहर निकले, अभी ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो फोटो जितने पावरफुल होगा बट फिर भी ट्राई करेंगे, कुछ 5-6 फोटो से जबरदस्त आ जाए बस। फोटोज मिले हैं बट अभी तक उतना ऐसा कुछ खास नहीं मिला, देखते हैं। बट ऐसा व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे जाएंगे, एक नहर है छोटी सी, वो दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छी जगह है, मतलब थोड़ी अलग है। आओ दिखाते हैं। आगे किंगफिशर है। शिट, उड़ गई। और एक है, ये और एक है, और एक। चलो 2-3 शॉट्स तो लिए, आगे आगे जाते हैं।
तो सामने पेड़ है, इसको दिखाता हूँ। काश ऐसा 150-600 ऐसा कुछ लिखा था तो मज़ा आ गया। आगे जा नहीं सकते ज़्यादा, और वो ये बात उसको भी पता है इसलिए वो उड़ नहीं रहा है। तो ये वीडियो सिग्मा 7300 का रिव्यू भी हो सकता है कि मतलब कैसे यूज़ करने में है। वैसे अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो इसका बजट है, जो इसका रेंज है, उस हिसाब से 7300 बहुत अच्छा है। इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। लो लाइट में जैसे अभी 7 बज रहे हैं तो उसमें इतना आप ISO आपको कम से कम 2000 तक लेके जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो आप ज़्यादा भी लेके जा सकते हो। तो वीडियो के एंड में जब आप फोटोज़ देखोगे तो आपको पता चल सकता है कि लो लाइट पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो अभी जो लाइट है सिचुएशन है अभी, ऑफकोर्स हम लोग फोन में शूट कर रहे हैं अभी तो थोड़ा उसमें ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा, बट ये उतना ब्राइट है नहीं, थोड़ा डार्क ही है। तो देखते हैं और आपको फोटोज़ दिखाते हैं तो आप खुद जज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से सिग्मा 7300 इज़ अ गुड लेंस, और बजट बढ़ा सकते हो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 टाइम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तो तब आगे आपको कोई अच्छा लेंस मिलेगा तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। बट मुझे सिर्फ वैसे बर्ड्स का शूट करने का ज़्यादा से कुछ करना नहीं होता, तो दिस लेंस इज़ गुड फॉर मी। और बाकी जब कोई अच्छा लेंस यूज़ करेंगे तब आपको बताएंगे। बाकी मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया, दिस इज़ US M50 कैनन, ये है अडेप्टर और ये है लेंस। चलो आगे जाते हैं नहर के पास। तो थोड़े दिन पहले भाई यहाँ पे आग वाग लगी थी, लगता है अच्छी खासी लगी, क्या लगी थी या लगाई थी चाहिए नहीं। तब भी कभी भी ऐसे ट्रैक ट्रैक पे जाओ तो फुल पैंट जरूर पहन के जाना। मैंने शूज और वैसे छोटा वाला ऐसा पैंट पहना है, मुकुल ने भी स्लीपर्स, अजीत हमारा खतरनाक आदमी एकदम स्लीपर ऊपर पहन गया। क्या भैया पेट रहा है तो देखो भैया का कैमरे के सामने मैं नर्वस हो जाता हूँ। नर्वस आ गई लड़की, कोई बात नहीं। तो भाई व्यू देखो जबरदस्त है, व्यू देख लो और इनका मुंह भी देख लो। यस, तो अभी आ चुके हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से रास्ता होता है ख़त्म और हमें जाना है वहाँ पे। हम जा नहीं सकते, जाएंगे हम। ओ फक, क्या था ये? ये तीतर 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 बैठा था यहाँ पे आगे, दो तीतर तीतर के दो पीछे तीतर। हाँ बस बस बोल अभी फिर से। मैं शर्मा जाता हूँ, शर्मा गया अजीत, कैमरा में आ गया होगा एकदम क्लियर तो मज़ा आ जाएगा। चलो तो ये रास्ता जो कि अब रास्ता नहीं है, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। और ये देखो क्या है, ठीक है हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, टाइम हो रहा है, बट हमें फटाफट जाके वापस भी आना है। ये जागा नहीं, लेकिन देख क्या आ रहा उसे। तो वो है नहर और यहाँ से है रास्ता,
चलो यहाँ से नीचे रास्ता है। तो वी आर हियर, पानी की आवाज़ आ रही होगी अगर आपको तो अच्छा है, नहीं आ रही होगी तो क्या कर सकते हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, सब फोटो लेते हैं। तेरे बीते के घने जंगलों में स्वागत है। तो हम लोग आ चुके हैं नहर पे, वहाँ पे पानी है। यहाँ पे पूरी ऐसे नहर ऐसे ऐसे होते हुए नीचे जाती है आगे, देखो। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस अभी फटाफट फटाफट निकलेगा बस यहाँ, क्योंकि वीडियो कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी था। हम लोग आधा ही शूट करके फिर रह जाते तो फिर से वीडियो इनकम्प्लीट रह जाता, मैं एडिट नहीं करता, अपलोड नहीं करता, उससे अच्छा मतलब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अजीत, ओ माय गॉड, मशीन गन चला रहा है, ठीक है। तो फटाफट सिनेमैटिक शॉट्स देखो और यहाँ से पैकअप करते हैं, निकलते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे, और फटाफट अभी हम निकलेंगे इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। तो फिर बताना वीडियो कैसे लगा, जगह कैसे लगी, जगह भी शायद ठीक से दिखा नहीं पाया मैं क्योंकि लो लाइट में ना उतना कुछ क्लियर आ नहीं रहा, तो शायद वही चीज़ अपलोड करूँगा जो ज़्यादा अच्छी लग रही दिखने में, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका तो क्या ही करेंगे। तो हम अभी निकल रहे हैं, मुकुल और अजीत, कैसी जगह कैसी लगी बताओ। एकदम खतरनाक भी अजीत कब से शर्मा रहा था वीडियो में आने के लिए, अभी जब भी आएगा उल्टा सीधा बोलेगा। तो ये रास्ता है, ये एक्चुअली ये पानी के लिए जगह बनी थी बट जो यूज़ नहीं हुई शायद, या पहले हुई होगी पर अभी टूट गई है। तो इसी के थ्रू हम अभी जाएंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे चलते चलते तो जगह बहुत अच्छी थी। आप भी कमेंट में बताना। तो बस इतना ही, बाकी फ़ोटोज़ कैसे लगी थोड़े बहुत फ़ोटोज़ दिखाऊंगा मैं, देख के बताना कैसी लगी। वीडियो में आपने देखी भी होगी शायद, अच्छी लगी तो ये लेंस भी आप ख़रीद सकते हो अगर आपको ख़रीदना है, अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है। वैसे ये लेंस दोनों के लिए, फुल फ्रेम एंड क्रॉप सेंसर दोनों के लिए। नहीं नहीं खुला है, दिखाई दे दिखा, एक चीज़ दिखा था आपको मैं। नहीं नहीं दिखा था, ये एक इसको वैसे तो शिवता बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं। अभी ये बंद होता है फिर इसके अंदर बीज होते हैं जो ड्राई फ्रूट जैसा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। तो ये इसका पेड़ है, ये चीड़ का पेड़ है, इससे गिरता है वो। और इसकी जो घास होती है बहुत स्लिपरी होती है, जो आप पूरी येलो येलो घास देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, इसके पैर रखो फिसल जाओगे, इसलिए हम ऊपर से नहीं नीचे से चल रहे हैं। तो बाकी हाँ ये बहुत दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, इसको लोग कलर करके घर पर ऐसा शोपीस भी यूज़ करते हैं, बट हमारे पास जैसे बहुत सारी मिलती रहती है तो हम कभी यूज़ नहीं करते। दैट्स इट, वीडियो पसंद आया तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में मुझे अच्छा अच्छा लिख दो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।